हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नॉवल्स फॉर नॉवल्स के एक और वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ये टू पार्ट सीरीज है, पर अनफॉर्चुनेटली फॉर कोई रीज़न की वजह से ये टू पार्ट सीरीज नहीं, ये थ्री पार्ट सीरीज होगी। तो डेफिनेटली श्योरली जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट पार्ट होगा, वो लास्ट पार्ट होगा। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में और आज जिस मूवी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, वो ऐसी रोमांटिक मूवीज़ हैं जो नॉवल बेस्ड हैं, और वो नॉवल जिनकी समरी मैंने अपने चैनल पे बताई है, अपनी वीडियोस में बताई है, ऐसी रोमांटिक मूवीज़ के बारे में बताया था। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको थ्री रोमांटिक मूवीज़ या थ्री रोमांटिक नॉवल्स की जिनके ऊपर मूवीज़ बन चुकी हैं उनके बारे में बताया था। वो थी प्राइड एंड प्रेजुडाइस और फाइव फीट अपार्ट और द फॉल्ट इन अवर स्टार। तो आज मैं जिसके बारे में बताऊंगी उसका नाम है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। जेन ऑस्टेन का एक और फेमस नॉवल है, फेमस बहुत ही ब्लॉकबस्टर हिट मूवी बन चुकी है इसके ऊपर। तो ये नॉवल 1811 में पब्लिश हुआ था जेन ऑस्टेन का, और ये तीन डैशवुड सिस्टर हैं उनके ऊपर ये मूवीज है, उनके ऊपर ये नॉवल है। जो उनके फादर है मिस्टर डैश, वो तो उनकी डेथ हो जाती है, तो वो जब वो बीमार हो जाते हैं तो वो अपने बेटे हैं उनको जॉन को कहते हैं कि वो उनकी सेकंड वाइफ और मिस्टर डैशवुड की सेकंड वाइफ और उनकी जो तीन बेटियां हैं एलिनॉर, मैरीन, उनका वो ख्याल रखे। तो लेकिन वो नहीं रख पाते जॉन जो हैं, और ये लोग जो डैशवुड सिस्टर्स हैं ये वहाँ से चले जाते हैं और ये नॉलैंड पार्क में जाकर रहते हैं। तो वहीं से सारी मूवी भी इसी चीज़ पर बनी है। तो समरी जाननी है इस नॉवल की तो आप प्लीज़ मेरा चैनल देखिए, मेरी वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बता रखा है सेंस एंड सेंसिबिलिटी के ऊपर, मैंने वीडियो बना रखी है उसकी समरी, उसमें बताई। तो प्लीज़ चेकआउट माई वीडियो एंड माई चैनल। तो मैंने बताया कि इसके ऊपर बहुत ही इसके जो सेंस एंड सेंसिबिलिटी है, इतना फेमस नॉवल है कि इसके ऊपर फोर वर्जन इसके बन चुके हैं। जो थ्री वर्जन बने हैं वो बीबीसी ने बनाए हैं और वो टेलीविज़न वर्जन है, लेकिन जो फोर्थ वर्जन है वो 1995 में आया था और ये एंगली ने डायरेक्ट किया है। जो एमा थॉम्सन है उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है, और ये इतनी फेमस मूवी थी कि इसको 7 एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन मिले। जो एमा थॉम्सन है उनको बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मूवी को, नॉवल को अडॉप्ट किया है, मूवी में कन्वर्ट किया है, ऐसे स्क्रीन प्ले लिखा है। तो ये अवार्ड उनको मिला था, एमा थॉम्सन को, और उन्हीं एमा थॉम्सन ने ही एलिनॉर का कैरेक्टर प्ले किया है। जो केट विंसलेट है उन्होंने फर्स्ट यंगर सिस्टर यानी मैरियन डैशवुड का कैरेक्टर प्ले किया है। इसमें ह्यूज ग्रैंट है उनका और एमा थॉम्सन का इसमें पेयर बनता है। तो जो ह्यूज ग्रैंट की इसमें जो एक्टिंग है वो बहुत ही सुपर्ब है, जो एमा थॉम्सन की एक्टिंग है वो बहुत ही सुपर्ब है। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इस मूवी नॉवल को मूवी में कन्वर्ट करने का ट्राई किया, और बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने करा भी है। तो जब मैं सर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि जो टॉप टेन जेन ऑस्टिन के ऐसे नॉवल जिनको मूवी में कन्वर्ट किया है उसमें ये सेकंड नंबर पे सेंसिबिलिटी, सेंस एंड सेंसिबिलिटी मूवी वो सेकंड नंबर पे, कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनके नॉवल को मूवी में कन्वर्ट करा है। तो सो दैट्स इट, यही है इस मूवी के बारे में। आप मूवी देखिए, बहुत ही अच्छी मूवी है, मूवी देखिए, नॉवल पढ़िए, मेन तो ये नॉवल का चैनल है, तो प्लीज़ नॉवल्स पढ़िए, मूवीज़ देखिए, क्योंकि ये थ्री पार्ट सीरीज है, ये मैंने मूवीज़ पे बनाई है। तो प्लीज़ मूवीज़ देखिए और नॉवल भी देखिए, नॉवल पढ़ेंगे तो नॉवल और मूवी में डिफरेंस है कहीं ना कहीं, पता चलेगा जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो मैं नहीं बता पाई इस बार भी नहीं बता पाई कि नॉवल्स में जो सीन है वो कौन से सीन है ऐसे जो मूवीज़ में नहीं है। तो सी यू गाइस, चेक आउट माय वीडियोस, चेक आउट माय चैनल एंड चेक आउट द मूवीज़ और रीड द नॉवल। बाय, टेक केयर।